करने की जरूरत नहीं है। आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा आई, कोई चीज की परेशानी नहीं होगी। तो है ना हमारी सारी परेशानी दूर करने के लिए। अनुज तू ना आई का ख्याल रखना, और देख इंसान को ना वक्त के साथ बड़े हो जाना चाहिए, तो तू भी हो जा, सुना तूने? और अपनी ये शैतानियां ना ये सब बंद कर दे। ठीक है दीदी। आई मैं चलती हूँ। अरे रुक बेटा एक मिनट। भगवान तेरा काम जरूर बनाएंगे और आज तुझे नौकरी भी मिल जाएगी। आई सब्जी जल गई, तू जा। मैडम साहब आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी माय लव आओ बैठो। क्या बात है पूर्वी, तुम मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहती थी, सब ठीक तो है ना? पूर्वी इज एवरीथिंग फाइन? बात क्या है? तुम्हारी चीज जो मेरे पास रह गई थी उसे लौटाने आई। पूर्वी ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? ये अंगूठी, इसे मैंने आज तक क्यों संभाल के रखी पता है तुम्हें? क्योंकि इसे देखकर मुझे हर वक्त ये एहसास हो तुमने मुझे धोखा दिया। पर मेरी जो नफरत है ना वो तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाए। मैं इस अंगूठी को तुम्हारे आखिरी दिन तक अपने साथ रखना चाहती थी। मेरा आखिरी वक्त?
तुम कहना क्या चाहती हो? पूर्वी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। मुझे धोखा दिया ना तुमने, मार दूंगी मैं तुम्हें। पूर्वी, मुझे कुछ कहने तो दो। मार दूंगी मैं तुम्हें। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो पूर्वी। तुमने मुझे धोखा दिया ना, मुझे धोखा दिया ना तुमने। पूर्वी अपने आप को संभालो, संभालो पूर्वी। पूर्वी, मेरी बात सुनो। ये तुम क्या कर रही हो पूर्वी? दो मिनट शांति से मेरी बात। काका, मुंबई की ना दो ही लाइफलाइन है, एक लोकल ट्रेन, दूसरा ही वड़ा पाव। लेकिन ये फूड चेन वाले जो है 10 रुपए के वड़ा पाव को बर्गर का नाम देते हैं और 100 रुपए में बेचते हैं। लूट मचा रखी है। वैसे इसके साथ तली हुई मिर्ची मिल जाती तो मजा आ जाता। नहीं है मिर्ची। अरे दे दो ना यार मिर्ची तल के। कौन सा मिर्ची आपसे नाराज होकर मायके चली जाएगी? घर में मिर्ची खत्म हो गई। अरे तो इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या बात है? बिके किस दिन काम आएगा? ये लो। ये करके ले लो इसको। मिर्ची साथ में लेके घूमता हूं मैं अपनी। बीके ये देखो। अरे थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मैंने तुम्हें हाथ मुंह साफ करने को नहीं दिया, पढ़ने को दिया था। सॉरी। गॉड सेक वीके। ये जा पढ़ो जरा। सर, आपको पता है आज कितनी बड़ी न्यूज़ आई है? फेमस एक्टर अभिमन्यु शेखावत और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पूर्वी की लाश उसी के फार्म हाउस से मिली है। आपको पता है पुलिस ने वारदात की जगह से उसकी वाइफ शाइना को मर्डर वेपन के साथ गिरफ्तार किया है। हाँ तो इसमें पढ़ना क्या है? औरतों का तो काम ही होता है जेलेस होना, उनसे मर्दों की खुशी देखी थोड़ी जाती। ओ रियली? तो तुम्हें लगता है मर्द कुछ भी करे औरत को गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, चढ़ना चाहिए, बिल्कुल चढ़ना। यू आर राइट। और वही हुआ, औरत को गुस्सा चढ़ा, उसने मर्द की और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी का दी एंड कर दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं और त्रिषा जेल गए थे शाइना से मिलने एंड वी टेकिंग दिस केस। मैडम आप जो है ना, जिस केस में 100% हारने का चांस हो ना, वो केस लेने में आपकी मास्टरी। वीके प्लीज, लोगों की जबान पर यही केसेस रहते हैं और अगर हम ये केस जीत गए ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अरे प्लीज यार, ये जिंदगी बदल जाएगी वाला डायलॉग सुन सुन के मैं पक गया हूँ। हर केस से पहले आप यही बोलते हो, ये केस जीत गए तो जिंदगी बदल जाएगी। ना जिंदगी बदली, ना आपका एक घिसा पिटा डायलॉग। इतने पैसे को क्या करोगे? आप कहाँ लेके जाओगे? सैलरी तो आप देते नहीं हो। मैं कौन सा तुम्हारी सैलरी लेके भाग रही हूँ कहीं पर? चुप बैठ। बोला सैलरी लेके नहीं भाग रही और भाग गई। मैं कौन सा तुम्हारी सैलरी लेके भाग रही हूँ? और आप भी ना। हद है मतलब कंजूसी की। सुहाना जी, क्या बात है? बड़ी टेंस लग रही हैं, बार बार अपनी घड़ी देख रही हैं।
कभी दरवाजे की तरफ देख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीके जी इस केस से घबरा कर डर कर भाग गए? अगर ऐसा हुआ ना तो उनकी क्लाइंट का तो भगवान ही भला करे। क्या साहब, मेरा खाली पीली टाइम वेस्ट कर रहे आप? यार ये बोलो ना यार, मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हैं, पहचानते लोग मुझे भूल जाए। मैडम तेरा वो दूर पे तो ब्यूटी पार्लर से सब नहीं है, मदद क्या करेंगे? ये कहाँ रह गए थे तुम? अरे दूर पे है क्या? दूर क्या? दूर पे तुम नहीं है मेरे पास। देख, 2 रुपए मांग रहा हूँ, कोई किडनी नहीं मांग रहा हूँ। नहीं है क्या? किडनी नहीं है? 2 रुपए नहीं है क्या साहब? जल्दी करो ना। अरे लॉयर हूँ मैं, केस कर दूंगा, अभी जेल भेजा दूंगा तुमको। अरे जल्दी करो, परेशान मत करो। हाँ भाई जल्दी कर रहा हूँ। ये लो, और थोड़ी शर्म करो, तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे नौजवान भी भीख मांगने लगे। अरे माता जी आप मेरी बात सुनिए, मैं पहले मेरी बात सुनो। भगवान ने जो हाथ दिए हैं ना, मेहनत मजदूरी करने के लिए दिए हैं, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे माता जी मैं यही काम करता हूँ, लॉयर हूँ मैं, देखो। चुप कर, अगर काम करते तो ऐसे सबके साथ पैसा मांगते फिरते क्या? अरे Yes. क्या बात है वीके? हालत खराब है क्या? नहीं नहीं सर, फर्स्ट क्लास है। अच्छा है ना? टाइम खराब है बस। तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ओ आप हैं? हाँ हाँ शुरू कीजिए। योर ऑनर, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने हाल फिलहाल में कोई मूवी देखी है? नहीं, क्यों? आज आप ना 2 टिकट करवा लीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा केस है ना वो बस 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे, आप तो पहले ही हार मान गई सर, ये तो मतलब कोशिश ही नहीं कर रही, मुकदमा तो लड़ी है, केस वापस ले रही है क्या? दोस्त मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि घोड़ा चाहे कितना भी कूद क्यों ना, 2-2.5 घंटे से ज्यादा चल नहीं सकता। और आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, आज आप अपने क्लाइंट को बचाने हैं। आप मुझे घोड़ा कह रही हैं? योर ऑनर ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जैसे आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। जाना जी, योर ऑनर आई हैव समथिंग। हाँ हाँ दीदी कहिए। योर ऑनर, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि 28 मार्च को शाइना जी ने जब पूर्वी को अपने पति अभिमन्यु के साथ अपने फार्म हाउस पर देखा तो एक पत्नी की जलन जाग उठी, उसे गुस्सा आया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपना आपा खो बैठी और गुस्से में आकर उसने अपने पति अभिमन्यु और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड पूर्वी को जान से मार दी। मारकर जब ये वहां से भाग रही थी, इनका पैर फिसल गया और ये जमीन पर गिर गई, इनके सर पर चोट आई और ये बेहोश हो गई। उसके बाद वहां इनका ड्राइवर श्याम आया और ड्राइवर श्याम ने शाइना जी को सीढ़ियों के पास बेहोश पाया। इनके हाथ में गन थी, उसे कुछ शक हुआ, वो ऊपर की ओर भागा। कमरे में उसने जो नजारा देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने फौरन पुलिस को फोन किया और वहां बुला लिया। That's all your own. Your Honor, इनकी कहानी आपने सुन ली, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली उस दिन वहां क्या हुआ था। उस दिन चाइना ऊपर ये देखने जा रही थी कि अभिमन्यु किसके साथ, तभी इन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर ये घबरा गई और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। इनका पांव फिसला और ये गिरकर बेहोश हो गए। वो गोली इन्होंने नहीं चलाई थी, बल्कि जिसने गोली चलाई उसने मर्डर करने के बाद इनकी बेहोशी का फायदा उठाकर गन इनके हाथ में पकड़ा दी। मुझे लगता है जो भी कातिल है वो मनोहर कथाएं बहुत पढ़ता है कि पति के अफेयर की बात सुनकर पत्नी नाराज हो गई, उसने पति और उसकी माशूका का खून कर दिया, उसने यही प्लॉट सोचकर बंदूक इनके हाथ में पकड़ाई होगी। इस कहानी पर इन्होंने विश्वास किया, आपको ये कहानी सुनाई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त वीके जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं, इसलिए मैं विटनेस बॉक्स में इंस्पेक्टर घटोत्कच को बुलाना चाहूंगा।
जिन्होंने शाइना जी को उस गन के साथ अरेस्ट किया। इजाजत है जोही जी, लाइए। यस इंस्पेक्टर, जस्ट आपको बताएं। जवानों, जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उसके बाद हमने शाइना को अरेस्ट कर ली। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शाइना ने पहले पूर्वी का खून किया, उसके बाद अभिमन्यु का। योर ऑनर, आई हैव समथिंग टू शो यू। योर ऑनर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक उन लोगों को जो गोली लगी और बुलेट शेल्स जो वहां पाई गई वो एक ही गन की थी, जो मिसेस शाइना की। थैंक यू ऑफिसर। योर ऑनर, आज मैं फिर से कहना चाहूंगी कि इट इज एन ओपन एंड शट केस, क्राइम ऑफ पैशन। योर ऑनर, इस टाइप के केस हम लोग हर रोज इस कोर्ट में डील करते हैं और यहां सारे सबूत शाइना जी के खिलाफ। योर ऑनर, कितनी बार मैं इस कोर्ट में साबित कर चुका हूं कि गोली किसी और ने चलाई और बंदूक किसी और के हाथ में पकड़ा दी। You're right. सिर्फ बंदूक पर इनके फिंगरप्रिंट्स मिल जाने से यह साबित नहीं हो जाता कि यही खूनी। उस वक्त एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था इस बात का कोई गवाह नहीं है। Your Honor, उस फार्म हाउस का नौकर शाम क्योंकि किसी काम से घर से बाहर गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसने ये सब कुछ देखा। हे भगवान, मैडम और यहां साहब तो गए काम से। और मैंने ऊपर जाकर देखा तो साहब की और उन मैडम की लाश पड़ी हुई थी। क्या आपने वहां किसी और को भी देखा? वहां मैडम के अलावा और कोई भी नहीं था। हो सकता है कि दूसरे रास्ते से कोई भाग गया हो। उस कमरे में आने जाने के लिए बस एक ही दरवाजा था और वो सीढ़ियों से होकर कहीं जाता था। योर ऑनर, इससे तो बात साफ होती है कि कातिल कोई और नहीं शाइना जी। Court is adjourned till the next hearing. गई भैंस पानी में। पीके भैया, लगता है इस केस के साथ हारने का खाता खुलने वाला है। मैडम, इतनी मुश्किल से मैं अपनी रेपुटेशन बनाता हूँ और आप लोग मेरी रेपुटेशन का डार्ट बोर्ड बना के उस पे इंसल्ट फेंकते रहते हैं। अरे लेकिन हमारी क्या गलती है इसमें? किसने कहा था आपसे और कृष्णा से ये केस लेने के लिए? आपको पता है सच में ओपन एंड शट केस है। बिना मुझसे पूछे आप लोगों ने केस ले लिया। अरे मुझसे पूछना तो चाहिए ना, केस मुझे लड़ना है। अब चुप हो गए, सांप सूंघ गया। अरे भैया कुछ आइडिया दीजिए, अब क्या करूं मैं? सर आप कॉफी पीजिए, गुड फॉर हार्ट एंड गुड फॉर हेल्थ। और इससे आपका दिमाग भी तेजी से दौड़ने लगेगा। कोमल, दिमाग का तो पता नहीं लेकिन ये जो तुम परफ्यूम लगा के आई हो ना, मेरा दिल कधे की तरह दुलत्ती मार रहा है। दुलत्ती तो मारेगा ही ना सर। चार्ली, कोमल आज बहुत अच्छी लग रही है ना? क्या तिशा, तुम भी कोमल अच्छी नहीं, हॉट लग रही है।
क्यों भी की सर? हाँ आप लोग भी ना। कोमल, कोमल आई यू ओके? अरे कोमल तुम दिख तो यार। थैंक यू सर। नहीं नहीं थैंक यू कोमल, ये ट्रे गिरा के तुमने इस गिरे हुए केस को उठा दिया, बल्कि मेरी गिरी हुई रेपुटेशन को उठा दिया। कैसे कर लेती हो तुम कोमल? हाउ डू यू डू इट? हाउ? कैसे? बाय। हाँ वे वी आज अरे